शहर के शिव भक्तों ने 19 फरवरी को शिव जयंती मनाते हुए मार्केट यार्ड के सामने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के पोस्टर लगाए थे। कुछ समाज कंटक ने वो पोस्टर फाड़ डाला। उन समाज कंटक को तुरंत हिरासत में लेकर कार्रवाई करने की मांग शहर के शिव प्रेमियों ने की है। उप विभागीय अधिकारी शिल्पा सोनाले, उप विभागीय पुलिस अधिकारी दिनेश कदम, थानेदार संपत जी चौहान के मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालक मंत्री सुनील केदार इन्हें भेजे ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर इन समाज कंटक को समय रहते इलाज नहीं किया गया तो ऐसा हादसा फिर से होने का अंदेशा है। आज इन्हें छूट मिली तो कल वो बड़ा कारनामा कर सकते हैं। अपराधी कोई भी हो, उसे छत्रपति जी का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ये हमारे कुल देवता हैं। आज पोस्टर फाड़ा, कल पुतला फोड़ेंगे। इसकी रोकथाम के लिए इस समाज कंटक का बंदोबस्त करना ही समय की पुकार है। ऐसी मांग ज्ञापन में की गई। ज्ञापन देते समय राजा महाराज शेंडे, रमेश नागमिणे, अनिल भोगाड़े, प्रकाश भल में गजू कुबड़े, प्रशांत तोड़ंकर सहित शहर के शिव भक्त उपस्थित थे। शिव जयंती फार मोठ्या प्रमाणात शासकीय स्तरावर आणि शिवभक्ताच्या स्तरावरही मनवल्या जाते। त्या शिवजयंती दिनी मार्केट यार्ड येथे एका बॅनरला काही समाजकंटकांनी फाडले। आमचं हे निवेदन आहे शासनाला की जे कोणी समाजकंटक असतील त्यांचा तपास करावा, त्यांचा बंदोबस्त करावा, जेणेकरून असा प्रकार पुन्हा या नगरामध्ये व्हायला नको। आणि जर असा जर प्रकार होत असेल तर वातावरण फार मोठं प्रमाणात चिघळेल ते आणि दंगलीसारखं वातावरण, दंगली सदृश्य वातावरण निर्माण होईल। यासाठी सर्वांना मी विनंती करतो की आपणही सतर्क रहा, अशा समाजकंटकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलीस आणि शासकीय यांना मदत करण्याचं आम्ही त्यांना वचन दिलेलं आहे। जय महाराष्ट्र। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।